हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन आई आई टी जे डब्ल्यू ए नीट चैनल यहाँ पे फाउंडेशन कोर्सेज जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेसिक्स तैयार करते हैं और कॉम्पटेटिव एग्जाम्स लाइक जे डब्ल्यू ए नीट इनकी प्रिपरेशन मैग्नेट ब्रेन आपको हंड्रेड परसेंट फ्री में कराता है मैग्नेट ब्रेन पे दो तीन वीडियोज़ देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें हंड्रेड परसेंट फ्री हैं वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ आज के लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट टू लेके आए हैं आपके लिए यहाँ पे जैसे कि हमने पार्ट वन किया था उसमें बीस क्वेश्चन थे सिमिलरली यहाँ पर भी ट्वेंटी क्वेश्चन का सेट लेके इस लेक्चर में मैं आया हूँ तो चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट टू फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको पहले बता देता हूं कि टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको मिलेंगे ये टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस में टॉपिक टू टॉपिक एक एक करके अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया जाता है ताकि हर टॉपिक के साथ आप वेल well वर्ज हो जाए सेकेंड आता है डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का पीडीएफ तो जिस दिन आपको ये टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलता है उसी दिन आपको डीपीपी की शीट मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके नेक्स्ट डे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस का वीडियो आपको मैग्नेट ब्रेन की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाता है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज 500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस का भंडार आपके पास एक चैप्टर का तैयार करा देता है डाउट सॉल्विंग सेशंस यहाँ पे वीकली होंगे जो कि आपके जो डाउट्स है वो लाइव इंटरेक्शन करके आप अपने टीचर से डाउट्स क्लियर कर सकते हैं उसके बाद आते हैं वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज जो कि आपको टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहेंगे कि अब आप आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है

पॉसिबल कराएगा चैप्टर वाइज वन शॉर्ट रिविजन देन वी हैव ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फाइनली अब आपको टेस्ट करेगी कि भाई हमने इतना चीजें कर हैं, इतना पढ़ लिया अब आप कितने पानी में है अगर बहुत अच्छा हम लोग उसमें परफॉर्म कर पा रहे हैं तो हमें और अच्छा करना है जेडब्ल्यू और आ, नीट के लिए जब अब हम जेडब्ल्यू और नीट की तैयारी शुरू करेंगे और अगर कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा कम स्कोर भी होता है थोड़े कम मार्क्स भी आते हैं तो हम फिर से टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस को अच्छे से पढ़ सकते हैं अच्छे से एनसीआरटीज के थ्रू जा सकते हैं नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ और इवन एट क्लास की एनसीआर टी टू ट्वेल्थ क्लास तक की एनसीआर बहुत जरूरी होती है अगर आपको जेडब्ल्यू और नीट का एम क्लियर करना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं

तो इसमें आपको मिलते हैं आउटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो हेलोजन में सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और एल्कली एलिमेंट्स में वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं हाउ डज आयनाइजेशन पोटेंशियल वेरी इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड ठीक है इसके लिए हम सबसे पहले एक रफ आउटलाइन हमारी पीरियोडिक टेबल का बना लेते हैं हमारी पीरियडिक टेबल का एक रफ आउटलाइन टॉप टू बॉटम चाहे इधर देखो बीच में देखो या राइट साइड पे देखो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है जब साइज एटम का इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस से आउटरमो शेल का डिस्टेंस बढ़ जाता है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ जाता है और जब ये डिस्टेंस बढ़ता है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे कमजोर पड़ जाता है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे कमजोर पड़ेगा तो उसको निकालना आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत कम एनर्जी लगेगी जितना साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी कम लगेगी तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन पोटेंशियल रिड्यूज होता है डिक्रीज होता है सो so, हम बोल सकते हैं ग्रुप में अलोंग अ ग्रुप या डाउन द ग्रुप वी से आयनाइजेशन पोटेंशियल और वहीं अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्योंकि अटोमिक साइज रिड्यूज होता जा रहा है तो न्यूक्लियस का असर आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रॉन्ग पड़ रहा है जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है लेफ्ट टू राइट जाने में एक एक इलेक्ट्रॉन जो अब आ रहा है वो एक ही सेम शेल में एड ऑन होता जा रहा है होता जा रहा है, होता जा जा रहा रहा है है तो उससे क्या हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और साइज छोटा हो रहा है जिसके कारण आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो और ज्यादा लगेगी तो हम बोलेंगे कि भाई अलोंग अ पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस Of the of a period. एक period की अगर हम बात करें फिर से हम हमारी पीरियॉडिक टेबल का एक रफ आउटलाइन बनाएंगे यह हमने उसका एक रफ आउटलाइन बना लिया अब अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट तो लेफ्ट टू राइट में साइज छोटा होता जा रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो रही है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो जो इलेक्ट्रॉन दे वो मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन ले ले वो नॉन मेटल होता है तो अब अगर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो रही है मतलब मेटेलिक कैरेक्टर रिड्यूज हो रहा है सो so, हम बोलेंगे लेफ्ट टू राइट मेटैलिक कैरेक्टर मेटैलिक कैरेक्टर रिड्यूज इज और वहीं पे अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी कम हो रही है लेने की बढ़ रही है और नॉन मेटल वो अच्छा जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी ले नॉन मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है तो हमको यही पूछा है मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का क्या हो रहा है इन अ पीरियड

दूसरा पॉइंट हम ये डाल सकते हैं कि एलिमेंट्स की सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज एलिमेंट्स की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को पढ़ने में बहुत आसान करता है उनको कोरिलेट करने में आसान करता है ट्रेंड्स को समझने में आसानी होती है जो ट्रेंड चल रहे हैं ना इनको समझने में हमें आसानी होती है अगर हम एलिमेंट को क्लासिफाई कर दें तो स्टडी को आसान कर दिया सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को समझने में हमें आसानी हो गई ठीक है सो so, और इतने सारे एलिमेंट्स को हमने एक फॉर्म में एक टेबल में कंपाइल भी कर दिया तो ये सब मतलब कंपाइल्ड फॉर्म में 118 एलिमेंट्स को कंपाइल करना पहली चीज दूसरी चीज उसका स्टडी कर, आसान कर देना क्योंकि अगर आपने एक ग्रुप को पढ़ लिया जैसे कि अब हम ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं तो एक ग्रुप को पढ़ लिया तो इसका मतलब आपने ऊपर से लेकर नीचे तक सारे एलिमेंट्स को पढ़ लिया एक तरीके से और तीसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं कि एक तो ये एक एलिमेंट्स को कंपाइल करना ये भी ऐड डाल दिया तो इस पे डिस्कस कर लिया इस पे डिस्कस कर लिया एलिमेंट्स की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज भी पढ़ी जा सकती है आसानी से जो हमें उनके बारे में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझना और आसान कर देते हैं और एलिमेंट्स को एक से दूसरे में कैसे डिफरेंस आता है वो पढ़ना भी आसान हो जाता है बाय स्टडीिंग दी एंड सिमिलैरिटीज ऑफ दी एलिमेंट्स ओके नेक्स्ट गिव सम ऑफ द डॉबरीनर स्ट्राइड एक्सप्लेन हाउ दे आर ग्रुप्ड स्ट्राइड ठीक है तो मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे दूं लिथियम सोडियम पोटेशियम उसके बाद बेरियम सोनशियम कैल्शियम एंड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये हमारे तीन एग्जाम्पल्स हैं डॉबरीनर स्ट्राइड्स के इसमें चलिए इन्हें बोला कैसे ग्रुप किया जाता है ट्राइड के फॉर्म में तो हम सबसे पहले का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम अब आप देखिए डॉबरीना ट्राइड का कहना है कि पहला और तीसरा एलिमेंट के मासेस को अगर आप एक साथ सम कर दो और उसका एवरेज निकाल दो इनके मास को सम करके अगर आप एवरेज निकाल दो तो यू विल गेट आंसर रफली इक्वल टू द मास ऑफ सोडियम अब पहले मैं आपको इनके मासस बता दू लिथियम का होता है सेवन सोडियम पोटेशियम का होता है थर्टी नाइन और सोडियम का होता है ट्वेंटी थ्री चलिए करके देखते हैं लिथियम को डालो सेवन पोटेशियम का डालो थर्टी नाइन डिवाइडेड बाय टू कितना आंसर आ रहा है 46, 2, ये आ गया फोर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय टू विच कम्स आउट टू बी ट्वेंटी थ्री ये देखिए किसके बराबर है सोडियम के ये था डॉबरीनर का ट्राइड मतलब पहले और तीसरे एलिमेंट का मास का सम और उसको अगर आप एवरेज निकाल दो तो वुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट क्लियर हुआ तो ये हुआ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट आर द अचीवमेंट्स एंड द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन न्यूलैंड के क्लासिफिकेशन का हम सबसे पहले तो अचीवमेंट की बात कर लें भाई अचीवमेंट ये था न्यूलैंड के क्लासिफिकेशन का कि न्यूलैंड ने 50 56 एलिमेंट्स थे हम सबसे पहले बता दें कितने एलिमेंट्स थे 56 56 एलिमेंट्स को उनने क्लासिफाई किया एक टेबल एक कॉलम्स के फॉर्म में सिंपल सी टेबल के फॉर्म में जिसमें उन्हें ये बोला कि एवरी एवरी फर्स्ट एंड एट एलिमेंट Have similar properties. Have similar properties. सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही था कि प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सिमिलैरिटी आना शुरू हो गई थी तो भाई पहले और आठवें एलिमेंट हर पहला और आठवां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी ये सबसे पहला अचीवमेंट था उनने उस टाइम पे हमारे पास हमें मिले थे 56 एलिमेंट्स तो इन 56 एलिमेंट्स को उनने अपनी टेबल में डाल दिया उठा के ठीक है और उनने इसका जो मतलब कह सकते हैं हमने बेस लिया वो कहां से लिया जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना सारे गामा पा वैसे ही इनने सारे गामा पा धा नी सा तो सारे गामा पा धा नी सेवन नोट्स हो गए और नी के बाद फिर से सा आता है आठवां नोट तो इनने ये बोला कि भाई जैसे पहला और आठवां म्यूजिकल नोट भी सेम है वैसे ही पहले और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी सेम होगी तो ये इनका बेसिक अचीवमेंट था कि भाई उन्होंने एक टेबल बनाई जिसमें एलिमेंट्स की सिमिलैरिटीज देखी उनने प्रॉपर्टीज में और उसके हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया अब अगर हम बात करते हैं dis, uh, इसके, uh, या फिर के बारे में, तो न्यूलैंड के लिमिटेशन ये आ गए पहला लिमिटेशन तो यह था कि उन्हें ये बोल दिया कि आफ्टर या इसको हम ऐसे लिखते हैं उनने ये बोल दिया कि नॉट मोर देन 56 सिक्स एलिमेंट्स आर देय मतलब उनने तो ये कह दिया कि 56 सिक्स एलिमेंट से ज्यादा है ही नहीं कोई एलिमेंट ठीक है दूसरा प्रॉब्लम उनकी ये थी कि उनने एक मतलब प्रॉपर्टीज को सिमिलर दिखाने के लिए निकल और कोबाल्ट अब जैसे निकल है और कोबाल्ट है तो निकल और कोबाल्ट को उन्होंने एक ही कॉलम में डाल दिया तो ये एक उनकी प्रॉब्लम आ गई कि उन्होंने सिमिलरिटी मेंटेन करने के लिए कि भाई हमें इनकी सिमिलरिटी मेंटेन करनी थी ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट से तो उठा के एक कॉलम में डाल दो ये दिक्कत हो गई साथ ही साथ में निकल और कोबाल्ट को उन्होंने हैलोजंस के साथ डाल दिया अब निकल और कोबाल्ट जो है इनको सेम कॉलम हम पहले तो ये लिख दें तीसरा हो गया कि निकल और कोबाल्ट को उनने साथ में डाल दिया हेलोजन के और वहीं पे आयरन जिसकी प्रॉपर्टी निकल और कोबाल्ट से ज़्यादा मिलती थी उसको उठा के ऑक्सीजन सल्फर के साथ रख दिया तो आयरन को भी नॉन मेटल्स के साथ रख दिया आपने निकल कोबाल्ट को भी नॉन मेटल्स के साथ रख दिया बल्कि आपको करना क्या चाहिए था इनको साथ में रखना चाहिए था यह प्रॉब्लम आ गई नेक्स्ट ये हुआ कि 56 एलिमेंट्स के बाद जो भी नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड डिड नॉट फॉलो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इन्ने तो कह दिया था कि 56 के बाद एलिमेंट्स ही नहीं होंगे बट जो भी 56 के बाद एलिमेंट्स आए उन्ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो ही नहीं किया तो ये सारे लिमिटेशंस आ गए न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में और इस वजह से न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को रिजेक्ट कर दिया गया तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब हम बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन गिव द लिमिटेशन ऑफ डॉबरीनर क्लासिफिकेशन ये आंसर बहुत सिंपल है डॉबरीनर सिर्फ तीन ही ट्रायड्स बना पाए थे जो अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले जो देखा था लिथियम सोडियम पोटाशियम बेरियम स्ट्रॉनशियम कैल्शियम एंड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन तीन ट्रायड्स के बाद डॉबरीनर का ये जो लॉ ऑफ ट्रायड्स था डॉबरीनर ट्रायड्स थे वो नहीं बन पाए इस वजह से डॉबरीनर का जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो रिजेक्ट कर दिया गया ओके okay? आगे एट ग्रुप है और सिक्स पीरियड्स है बाद में बाद में है ना बाद में क्या किया गया इसी मेंडलिव पीरियडिक टेबल में एक पीरियड और एड कर दिया गया और साथ ही साथ में जीरो ग्रुप जो है जिसमें नोबल गैसेस थे उसको भी ऐड किया गया बिना मेंडेलीव के पीरियडिक टेबल को डिस्टर्ब करे और जो मेंडेलीव के पीरियडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास

ग्रुप्स भी रखे गए हैं इनमें दो सब ग्रुप्स भी रखे गए हैं वहीं पे जो हमारा 8थ ग्रुप है 8थ ग्रुप में ऐसे ही तीन सब ग्रुप्स रखे गए हैं क्लियर हुआ सो so, यहां दो सब ग्रुप्स और यहां तीन सब ग्रुप्स रखे गए चलिए आगे बढ़ते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मेंडलीफ्स पीरियडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियडिक टेबल अगर हम बात करें मेंडलीफ की तो उसमें एटॉमिक मास को इंपॉर्टेंस दी गई है वहीं पे अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तो इसमें अटोमिक नंबर को इंपॉर्टेंस दी गई है इसका मतलब यह है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग के बेसिस पे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटोमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया है ठीक है देन द दटोमिक नंबर ऑफ थ्री एलिमेंट्स ए बी एंड सी ए बी एंड सी आर ट्वेल्व थर्टी थ्री एंड नाइनटीन

Plus +533 ओके 5 एंड फिर इसमें है 2881 क्लियर हुआ अब ध्यान से देखिएगा अगर हम एक ही बात करें तो इन ए वी ए में देखिए आप एक दो और तीन शल्स हैं इसका मतलब है ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है और ग्रुप की अगर हम बात करें तो आपको यहां पे 2 दिख रहा है ये सेकंड ग्रुप में मिलता है आपका एलिमेंट ए सो दिस बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप आइए बात करते हैं हम बी की एक दो तीन चार शेल है इसका मतलब फोर्थ पीरियड में बिलोंग करता है ये और अगर शेल में देखें तो पांच तो पांच मतलब ये हमारे फिफ्थ ग्रुप में बिलोंग करता है ठीक है सो इट इज प्रेजेंट इन फिफ्थ ग्रुप बात करें अगर हम सी की सो वन टू थ्री फोर फोर्थ पीरियड एंड आउटरमो शेल में एक इलेक्ट्रॉन है सो फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करता है हमारा एलिमेंट सी ओके नाउ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज गिव रीजन इसका रीजन ये है कि जो ये वाले इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं इतने पार्ट की है ना तो इतने पार्ट का आंसर ये है कि भाई सेम ग्रुप में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं एलिमेंट्स के लिथियम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबीडियम सीसियम फ्रेंशियम सबके पास सेल में एक इलेक्ट्रॉन है

क्लियर हुआ आगे बढ़ते हैं व्हाई आर दी लैनथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स गिवन अ सेपरेट पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसलिए इनको एक अलग पोजीशन दी गई क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में अलग था इसमें आ जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एफ ब्लॉक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट यूज़ टू गो टू एफ शेल एफ सबशेल में जाता था ओके, सो एफ में ये लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स के आउटर आउटरमोल के इलेक्ट्रॉन जा रहे थे इसलिए इनको और करके अलग से में नीचे पोजीशन दी गई है, क्लियर आगे बढ़ते वैल्यूज आईपी in का मतलब होता है आइनाइजेशन पोटेंशियल सो आइनाइजेशन पोटेंशियल में इनका यह कहना है कि क्यों ऐसा होता है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल वन जो होती है उससे भी ज्यादा होती है पोटेंशियल टू उससे भी ज्यादा होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल थ्री उससे भी ज्यादा होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल फोर उसका रीजन ये है कि देखो किसी भी एक एलिमेंट के एटम की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। है ना अभी तक क्या है

पहले तो चलो अठारह इलेक्ट्रॉन थे अठारह अठार की बात ही ना करें वो तो नोबल गैस में आता है पंद्रह इलेक्ट्रॉन थे पंद्रह प्रोटॉन थे एक इलेक्ट्रॉन निकाला पंद्रह प्रोटॉन चौदह इलेक्ट्रॉन फिर पंद्रह प्रोटॉन तेरह इलेक्ट्रॉन फिर पंद्रह प्रोटॉन बारह इलेक्ट्रॉन तो हो क्या रहा है इलेक्ट्रॉन का नंबर कम अब पंद्रह प्रोटॉन बारह इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं पहले पंद्रह पंद्रह को खींच रहे थे अभी पंद्रह बारह को मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक प्रोटॉन से भी ज्यादा की पावर लग रही है इस कारण इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होने लग जाता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो सक्सेसिव वैल्यू मतलब और बाद की जो वैल्यूज है वो और बढ़ती जाती है क्लियर हुआ सो यह हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप शो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस किया कि सेम ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं उसमें वैलेंस है, है। तो यहां electron. वो सेम होते हैं इसीलिए प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं आगे बढ़ते हैं हाउ डज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वेरिया लॉन्ग अ ग्रुप आउटलाइन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रफ आउटलाइन जो है उसमें देखा जाए तो अलोंग अ ग्रुप ऊपर से नीचे आने में साइज बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है द टेंडेंसी ऑफ एन टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट सेल्फ तो मतलब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं अब ऊपर से नीचे आने में क्या हो रहा है कि भाई साइज बढ़ रहा है तो अब इसके साइज में और इसके साइज में डिफरेंस है ना तो आउटर मोस्ट शेल का देखो डिस्टेंस कितना हो गया इसका आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस देखो अब यहां पे अगर कोई शेयर्ड शेयर्ड पेयर पेयर ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है इस इस तरीके से तो इस को अपनी तरफ खींचना इस न्यूक्लियस के लिए आसान है बट इस न्यूक्लियस के लिए यहां पे अगर कोई शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो भाई उसे खींचना मुश्किल है क्यों डिस्टेंस बढ़ गया ना तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना खींचना मुश्किल होगा तो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप है ना अगर हम ग्रुप की बात करें एक ग्रुप में क्या होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीजेज डिक्रीज होते टेंडेंसी कम हो रही है खींचने की वही अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और साथ ही साथ में साइज छोटा हो रहा है तो साइज ऑफ द आइटम इज रिड्यूसिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है एक एक प्रोटोन हो रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन एड हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने में है ना सो so, एक पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि साइज छोटा होता जा रहा है तो बाहर के जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इंफ्लुएंस न्यूक्लियस का बढ़ता जा रहा है सो so, पीरियड में इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीजेस यहां पे वो इंक्रीज हो जाता है क्लियर हुआ सो so, ये हुआ हमारा इसका ग्रोपर पीरियड का अब ऐसे ही अगर हम बात कर लें, तो चलिए हम बात करते हैं सोडियम की और क्लोरीन की सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं ठीक है सो इफ वी टॉक अबाउट सोडियम एंड क्लोरीन

कार्बन का और फ्लोरीन का अब ये भी सेम पीरियड में बिलोंग कर रहे हैं कार्बन कार्बन और फ्लोरीन so, कार्बन का है 2, 4, फ्लोरीन सो का है 2, 7, तो फ्लोरीन का का कॉन्फ़िगरेशन है है एक है है? है तो साइज साइज छोटा कार्बन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसको फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा न का साइज छोटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा ओके सो दिस इज एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं हाउ डज दाइज वेरी अलग अन्डरियड रीजन एंड एक्सप्लेन विद्पऑफल अगर अटोमिक साइज की भी हम बात करें अब भी मैंने जस्ट आपको उसी के बारे में समझाया कि सोडियम का और क्लोरिन का ही अगर हम देख लें तो सोडियम का और क्लोरिन के नंबर ऑफ सेल्स बराबर है टू एट वन और ये है टू एट सेवन <coughs> देखो डिफरेंस साइज में दोनों के मैंने बनाया भी इसी तरीके से उसको तो इसका कॉन्फिगरेशन है टू एट वन वही यह है टू एट सेवन आप सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड अटोमिक साइज डिक्रीजेस वहीं अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप तो अगर आप लिथियम का देखो तो लिथियम का कॉन्फिगरेशन इज टू कॉमा वन सोडियम का कॉन्फिगरेशन इज टू कॉमा एट कॉमा वन पोटेशियम का अगर हम देखें तो टू कॉमा एट कॉमा एट कॉमा वन तो क्या हो रहा है इफ यू टॉक अबाउट लिथियम एक दो सोडियम एक दो तीन पोटेशियम एक दो तीन चार भाई एक एक शेल बढ़ता जा रहा है वैसे ही एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा ये आपके सामने मैंने एग्जांपल दे रखे हैं।

आगे बढ़ते हैं वट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ही आसान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी ऑफ ऑफ एन एटम टू पुल पेयर इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब है कि भाई अपना इलेक्ट्रॉन जो आउटोमोशल का है उसको दे देने की टेंडेंसी अरे भाई ले लो और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी दे दो अगर शेयरिंग और यह बोलता है ले लो भाई अपनी तरफ और ए सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको भी ले लो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ कर लेना या अगर इलेक्ट्रॉन लेना है किसी से तो उसको अपनी तरफ खींच लो हमें चाहिए फ्लोरिन करता है खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को सोडियम दे देता है सोडियम बोलता है ले लो लिथियम बोलता है ले लो तो मेटल्स क्या करते हैं भाई इलेक्ट्रॉन अपना दे देते हैं दे देना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ले लेना इलेक्ट्रॉन को नेगेटिविटी ओके okay? आगे बढ़ते हैं व्हाई इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आल्सो रेफर टू एज बोहर्स टेबल इसका रीजन ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो हमारे आ, हमारे जो हेनरी मोजले थे हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियडिक लॉ दिया इस लॉ के ऊपर काम करके बोहर और बरी ने बोहर का तो मॉडल ही था भाई जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के ऊपर ही बेस्ड है और अगर आप देखोगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन का ही तो खेल है पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के ही बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है सो बोहर टेबल इसलिए क्योंकि बोहर की स्कीम के अकॉर्डिंग वो पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म में लाया गया है बोहर एक्चुअली वर्क ऑन द टेबल आफ्टर द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ केम बोहर ने उस पर काम किया है और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को जन्म दिया है दैट इज वाई उसे हम बोहर टेबल बोलते हैं उनकी स्कीम उस पर लागू हुई है ठीक है हाउ डू द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन देशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन इफिनिटी अब भाई देखो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूजिंग कैपेसिटी होती क्या है ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तो हम बोल देते हैं टेंडेंसी टू टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन है ना ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी भाई ऑक्सीडाइज आप कब कर पाओगे किसी का इलेक्ट्रॉन ले लो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाओगे आप तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लोगे उतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहीं अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग कैपेसिटी की सो रिड्यूसिंग कैपेसिटी मीन वॉट रिड्यूसिंग कैपेसिटी का मतलब है भाई किसी को इलेक्ट्रॉन दे देने की टेंडेंसी है ना तो टेंडेंसी टू तो गिव इलेक्ट्रॉन

कैपेसिटी हो जाएगी उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा सो आयनाइजेशन पोटेंशियल लो मतलब बहुत अच्छी रिड्यूसिंग कैपेसिटी और जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होती है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग कैपैसिटी वाला होता है क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन देता नहीं है फिर लेना पसंद करता है क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ताकत लग रही है भाई दे दो इससे अच्छा और यहां इलेक्ट्रॉन को निकालने में बड़ी आसानी हो रही है तो ले लो दो मत तो इसीलिए रिड्यूसिंग कैपेसिटी हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन दे देते हैं सामने वाले को उसको गेन कराया हम खुश हो गए हमारा तो ऑक्सीडेशन हो गया सामने वाले का रिडक्शन करा दिया तो हम रिड्यूसिंग एजेंट हो गए वहीं पे ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी अगर आप देखो तो ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन ले लो है ना इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो सामने वाले से हमने इलेक्ट्रॉन लिया उसको तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो उसको हमने ऑक्सीडाइज कराया हम खुद रिड्यूस हो गए तो जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होती है उसकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी अच्छी होती है जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होती है उसकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी अच्छी होती है स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका चलिए आगे देखते हैं अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें सो so, देखिए इसका तो आप एक रिकॉर्ड ले ही चुके हैं देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो लेफ्ट टू राइट है ना लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज होती है ठीक है इंक्रीजेस क्यों इंक्रीज होती है भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉन को लेने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है तो बहुत तेजी से वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है और एटम एनर्जी को रिलीज कर देता है तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाती है और वहीं पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम बोलेंगे टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती जाती है टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती जाती है क्यों टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है भाई क्योंकि साइज बढ़ रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है और कम पावर से न्यूक्लियस जो है वो खींच पा रहा है इलेक्ट्रॉन को अब बात वही आ गई टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है तो लेने में तो दिक्कत होगी ना टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो भाई लेने में दिक्कत होगी इलेक्ट्रॉन को देने में टेंडेंसी ज्यादा है तो रिड्यूसिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे जैसे डिक्रीज होती है रिड्यूसिंग कैपेसिटी बढ़ती है और ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी तब बढ़ती है जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है ऑन लेफ्ट टू राइट बिकॉज इलेक्ट्रॉन को खींचने की अपने तरफ टेंडेंसी बढ़ रही है सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को खींचो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वाह एमसीक्यू आ चुके हैं द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप नीचे जाने पे कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल नहीं ये डिक्रीज होती है एटॉमिक साइज बिल्कुल सही है आयनाइजेशन एनर्जी ये नहीं होती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर कम होती है इंक्रीज नहीं होती है है ना ये भी गया मेटेलिक कैरेक्टर बिल्कुल बढ़ता है रिड्यूसिंग पावर ये भी तो बढ़ती है रिड्यूसिंग पावर अभी हमने पढ़ा ये देखिए रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम है ना सो so, डाउन ग्रुप रिड्यूसिंग पावर ऑल्सो इंक्रीजे कितने दस ए थ्री प्लस मतलब तीन इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद दस हुए अदरवाइज ओरिजिनली कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें तेरह तेरह इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया टू एट थ्री यहां है बी टू प्लस ओरिजिनली दस है दो हटाने के बाद अभी दस बचे हैं तो ओरिजिनली कितने होंगे बारह ओरिजिनली दस नहीं दस अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो हटाने के बाद बी टू प्लस लिखा है ना अगर ओरिजिनली देखें तो ट्वेल्व है टू एट टू इसको काउंट करो फाइव सो टू कॉमा थ्री और लास्ट वाला है थर्टी वन तो ये हो जाएगा टू एट एटीन एटीन प्लस टू ट्वेंटी प्लस एट ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थ्री ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अब लास्ट शेल में देखो इसके भी तीन है इसके भी तीन है इसके भी तीन है तो ए सी एंड डी ए सी एंड डी ऑप्शन सी क्लियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू गलत है ऑल द फोर्थ पीरियड सही है जो भी फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स होते हैं उनके पास चार शेल होते हैं ना तो बिल्कुल सही है इन ऑल फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स फोर्थ शेल बिल्कुल नहीं थर्ड में भी एंटर होता है आप देखो ना या होता है ना वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी इसमें फिलिंग के बाद इसमें भी तो फिलिंग हो रही है फोर्थ शेल में ये फोर्थ शेल में ही होता है ना भाई फोर लिखा है यहां पे तो फोर्थ शेल में फिलिंग होते होते डी में भी तो हो रही है तो ये वाला गलत हो गया

इधर से शुरू होता है फोर्थ पीरियड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पार्ट टू अब बात करते हैं कि मैग्नेट ब्रेन आप अपने वीडियोस को सीक्वेंस में कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहला सोल्यूशन इसका है कि जब भी आप यूट्यूब पे सर्च करें मैगनेट ब्रेन चैनल पे तो आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन को सेट कर लें फिल्टर में পাহা অপশ্ন दूसरा ऑप्शन है कि आप मैग्नेट ड्रेन की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज डब्ल्यू पे जाइए वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो वहां पे हमें क्या दिख रहे हैं कोर्सेज दिख रहे हैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जेडब्ल्यू और नीट दिखेगा जेडब्ल्यू और नीट दोनों में आपको आई आई टी जेडब्ल्यू फाउंडेशन फिजिक्स और जेडब्ल्यू फाउंडेशन केमिस्ट्री कॉमन मिलेगा जेडब्ल्यू वालों को मैथ्स मिलेगा नीट वालों को बायो का फाउंडेशन मिल जाएगा ठीक है भाई हमने केमिस्ट्री के फाउंडेशन पे वॉच वाचनाओं पे क्लिक किया जैसे वॉच वाचनाओं पे क्लिक करेंगे कोर्स की डिटेल्स पूरी यहां आ जाएंगे

आप वीडियो को लाइक like करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने siblings, अपने 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 सिबलिंग्स रिलेटिव अपने पियर ग्रुप के साथ सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड कीप वाचिंग मैग्नेट ब्रेन आई आट टी जेडब्ल्यू एंड नीट चैनल थैंक यू